तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा और आने वाले दो दिनों में उसका निर्णय हो जाएगा। देखिए आप सवाल ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं यहाँ किताब लेकर बैठा हूँ। आपका सवाल इतना ही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैंने कहा शिवसेना का बनेगा। मैंने इतना ही कहा मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। और मैं इतना ही कहता हूँ पूरी महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने और हमें विश्वास है वो हमारी भावना की आदर करें। सर रिजल्ट आए थे आपने कहा था, रिजल्ट आए थे आपने कहा था कि महाराष्ट्र की कुंडली जो है शिवसेना तय करेगी, आप तय करेंगे और आपने तय किया आप मुख्यमंत्री, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने पहले दिन ही कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीतिक कुंडली शिवसेना ही तय करेगी और कोई नहीं। सर भाजपा कड़ू जिन्हें लगता था दिल्ली में बैठ कर यहाँ बैठ कर सत्ता और ताकत के बल पर महाराष्ट्र की कुंडली बिगाड़ देंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और हम बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिक है, ये किसी ने भूलना नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो शिवसेना की तरफ से आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि पवार साहब ने खुद आपका नाम आगे किया है। आप ही हैं क्योंकि आप एक कद्दावर नेता हैं और इस मामले को लेकर आप सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं शिवसेना का मुख्यमंत्री बनने। मैं हमेशा मेरे पार्टी में बाला साहब ठाकरे जी का एक शिवसैनिक बनकर ही काम किया है। हम सब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब ही मुख्यमंत्री बने। सर पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है। पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है मुख्यमंत्री। ऐसा कुछ नहीं, हम रात को पवार साहब को मिले हैं, हम सब बैठे थे। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे साहब ही इस सरकार का नेतृत्व करें। महाराष्ट्र में और कितने दिन राष्ट्रपति शासन रहेगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। जब सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे हम दो दिन में राजभवन में जाकर, तो वो पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी राष्ट्रपति शासन की। बहुमत का आंकड़ा जब तीनों दलों के जो महाआघाड़ी के नेता जिसको चुना जाएगा वो जब लेके जाएंगे राजभवन में, तब ऑटोमेटिक शासन हट जाएगा। दिल्ली के जो चाणक्य है वो फेल हो गए और पवार साहब ने सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़े चाणक्य वो है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए महाराष्ट्र में हमेशा जो दिल्ली से आदेश लेकर आने वाले जो राजनीति होती है वो फेल कर दी, चाहे बाला साहब ठाकरे जी हो चाहे शरद पवार साहब हो, ये हमेशा इस मिट्टी के नेता रहे हैं और छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर हमने राजनीति भी की है और सामाजिक कार्य किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो महाराष्ट्र का जो काम है जो सत्ता है वो दिल्ली नहीं चला सकता।